नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। लोकसभा चुनाव के सातों फेज की वोटिंग खत्म हो गई है। नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन उससे पहले तमाम न्यूज चैनल्स के एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आ गए हैं और 13 एग्जिट पोल्स का जो डेटा सामने आया है उसके मुताबिक पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को 365 सीटें और इंडिया गठबंधन को 145 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। अन्य को 32 सीटें मिल सकती हैं। हिंदी पट्टी के राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली में बीजेपी को एक तरफा बढ़त का अनुमान इन एग्जिट पोल्स में बताया गया है। इन राज्यों की 90% से ज्यादा सीटों पर बीजेपी की जीत बताई जा रही है इन एग्जिट पोल्स के मुताबिक, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे, मेहमानों से आपका परिचय भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस वाले जरा कान खोल करके सुन लीजिए, ये देश ने तय किया है कि 4 जून को आप देखेंगे कि कांग्रेस इस देश में मान्य विपक्ष भी नहीं बन पाएगा। एक ओर जहां प्रधानमंत्री मोदी के अब की बार 400 पार के नारे ने समूचे बीजेपी कार्यकर्ताओं के हौसले को सातवें आसमान पर पहुंचाया, तो दूसरी ओर संगठन ने युद्ध स्तर पर अथक मेहनत करके जनाधार इकट्ठा किया। एनडीए 400 पार करने वाला है। वहीं बीजेपी को लेकर जो सबसे चकित करने वाले आंकड़े आ रहे हैं, उनमें से सबसे अहम गैर हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन का सर्वे रिपोर्ट है। इनमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल चुनाव प्रदर्शन ठीक होना इस बात का इशारा है कि बीजेपी का सभी पक्षों पर ध्यान देना इस जनाधार का मूल कारण है। फिर इनमें गरीब के लिए डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम हो, धर्म के आधार पर श्रीराम मंदिर हो, राष्ट्रवाद के आधार पर अनुच्छेद 370 हो, इन सभी पक्षों पर बीजेपी ने बराबर ध्यान दिया है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वे को औपचारिकता मानते हुए बड़ी जीत का भरोसा जाहिर किया है। किस मुंह से वो मीडिया को फेस करे, इसलिए एग्जिट पोल की पूरी एक्सरसाइज को ही नकार रहे हैं। एग्जिट पोल कई समय से चल रहा है, हर बार वो हिस्सा लेते हैं, मगर इस बार हार के कारण एक्सप्लेन न कर पाने की स्थिति में वो इसका बहिष्कार कर रहे हैं। जहां एक ओर बीजेपी का 400 पार का नारा है, तो वहीं विपक्ष का मूलभूत मुद्दों के साथ जनता से सरोकार भी है। कांग्रेस ने जहां राज्यों में कई बार सत्ता में रही समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियों के साथ गठजोड़ बनाकर दोबारा से जनाधार पाने की कोशिश की, तो वहीं राष्ट्रीय दल होने के बावजूद जातिगत जनगणना और संपत्ति का बंटवारा जैसे क्षेत्रीय दलों के मुद्दे भी उठाए। हालांकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जिस रिजल्ट की उम्मीद थी, उसका कांग्रेस को अभी भी इंतजार है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मीडिया के सभी सर्वे को सिरे से नकार दिया है। उनका कहना है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन ही सत्ता में आएगा। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर, कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। देश की 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव का परिणाम आने में अभी थोड़ा समय बाकी है, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल के कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं है। जब तक रिजल्ट आउट नहीं हो जाता, तब तक सभी सरकार में एंट्री से चंद कदम ही दूर हैं। यहाँ तक कि वो दल भी अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन से लबरेज कर रहे हैं, जो जनाधार का आधार बहुत पीछे छोड़ आए हैं। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो से हमारे साथ कर्नल शरद शरण जी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। शरद जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राजेंद्र द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ संजय चौधरी जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। संजय जी, आपका भी स्वागत है। हिलाल अहमद नकवी जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं। हिलाल अहमद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर रविंद्र राणा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत में
कर्नल शरद जी आप ही से करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए लगातार जो इंडिया गठबंधन है वो सवाल उठा रहा है एग्जिट पोल्स पर, जो कि लगातार जो है वो सामने आ रहे हैं, और कई एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आए हैं जिन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। साथ ही इंडिया गठबंधन की तरफ से भी एक एग्जिट पोल अपना दिया गया है। एग्जिट पोल्स में 295 सीटें बताई गई हैं, जो कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेता बता रहे हैं। एग्जिट पोल्स में सर क्या है ना, तमाम सर्वे के आधार पर यह कहा गया है कि इस राज्य से इतनी सीटें, इस राज्य से इतनी सीटें। इंडिया गठबंधन का जो सर्वे आया है 295 सीटें, वो किस आधार पर आप लोग ये सीटों का जो 295 सीटें हैं उसका एक एग्जिट पोल जो है वो दे रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने पटल पे आकर अपने बात रखने का मौका दिया। देखिए अभी आपने अपने प्रस्तावना में बताया था कि करीब 13 एग्जिट पोल्स का सर्वे आया है और उनका पोल ऑफ पोल्स भी आया है। यही सवाल हमारा भी है। जब हम किसी सिचुएशन को लेके बैठते हैं, किसी चीज़ को सॉल्व करने बैठते हैं, तो जो हमारा साइंटिफिक एप्टीट्यूड भी बताता है कि हम कुछ पैरामीटर्स लेके बैठते हैं, ठीक, तो हमारा सबसे पहले ये सवाल है। और हमने अपने जीवन में भी देखा है कि एक दौर था कि एग्जिट पोल जब टीवी पे दिखाते थे तो साथ में वो सैंपलिंग साइज बताते थे और सैंपलिंग का पैटर्न बताते थे। सैंपलिंग का जो पैटर्न होता था कि किस वर्ग आयु वर्ग में कैसे कैसे कहाँ कहाँ कितना सैंपलिंग हुई है, वो सब उसके बारे में जानकारी बताते थे। आजकल मैं देख रहा हूँ कि एग्जिट पोल आ जाता है, कंपनी का नाम आ जाता है, कौन सी फर्म है, कौन लोग हैं, एम्प्लॉयज का साइज कितना था, सैम्पलिंग साइज पर कॉन्स्टिट्यूएंसी कितना था, उसका पैटर्न कितना था, इसकी कम से कम जहां तक मेरी जानकारी कि आम जनमानस में किसी को कोई जानकारी इस बार नहीं है। तो मेरा सबसे पहले सवाल ये है कि एक लोकसभा में लगभग 17-18 लाख वोट होता है जी, और लगभग 10 से 12 लाख पोल होता है, तो उसमें क्या सैंपलिंग साइज है और उसका क्या पैटर्न है, नौजवानों का क्या पैटर्न है, बुजुर्गों का क्या पैटर्न है, महिलाओं के बीच में सैंपलिंग का क्या पैटर्न है? क्योंकि मोटे तौर पे हम और आप सब जानते हैं कि ये सब एडहॉक में बच्चे एम्प्लॉय किए जाते हैं 10,000-15,000 रुपए में। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि किसी भी जिला मुख्यालय से 70-80 किलोमीटर 100 किलोमीटर नदी नाले के पास सुदूर इलाकों में जा करके 1,000-2,000-4,000 लोगों की ये सैंपलिंग करते होंगे। हालांकि मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आते हैं, इसी हजरतगंज चौराहे पे नौजवान बच्चे सैंपलिंग करते थे, जैसे कि कोई साबुन लॉन्च करना है कंपनी को तो वो ये जानना चाहते हैं कि साबुन का कौन सा कलर पब्लिक को पसंद है, कौन सा शेप पसंद है, उसका जो कवर है वो किस टाइप का पसंद है जी। तो वो 10-5 लोग जो नौजवान और थोड़ा सा खलियर मिलते थे उनके आगे लगा के पन्ने में वो सवाल पूछ के 8-10 और उस पर टिक मार लेते थे। और आप ये भी जानते हैं कि उन बच्चों से 10 फॉर्म तो नहीं मांगे जाते होंगे, 1,000-2,000-5,000 मांगे जाते होंगे, तो वो कैसे भरे जाते होंगे? अगर इन पैरामीटर्स के बारे में मुझे कुछ जानकारी मिल सके तो मैं इन पे सवाल पे, मैं इन एग्जिट पोल्स की ऑथेंटिसिटी पे अपनी बात रख सकता हूँ जी, लेकिन हमने क्या किया वो मैं रख सकता हूँ जी। जी प्लीज। समाजवादी पार्टी सैनिक प्रकोष्ठ का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, 75 जिलों में हमारा संगठन है और पहले चरण से आखिरी चरण मऊ से मैं परसों वापिस आया हूँ। हमारा हर गाँव में हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं और हमारा काम करने का तरीका यह है कि हम सुबह गांव में घुसना शुरू करते हैं और जिस गांव में घुसते हैं वो 4-4, 8-8 की टीम बना के हर गली के लेन में जाती हैं और जब हम गांव से बाहर निकलते हैं हर गांव का दरवाजा हम कवर कर चुके होते हैं। ठीक। इतने कवरेज के बाद सुबह से लेकर के शाम तक जो गांव कवर होते हैं उसके बेस पे हम पैटर्न बनाते हैं, हम अपनी सीनियर हायर की उसका फीडबैक देते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई कंपनी इतने सारे एम्प्लॉयज को इस तरीके से 3 महीने या 6 महीने के लिए एम्प्लॉय कर सकती है। अगर कर सकती है तो मैं उनसे चर्चा करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा सैंपलिंग, मैं जो कह रहा हूँ कि जो मेरा सैंपलिंग पैटर्न खुद का सिर्फ मेरे एक संगठन का, और मेरा संगठन समाजवादी पार्टी नहीं है, मैं तो सिर्फ इसका एक हिस्सा मात्र हूँ, जो मेरी अपनी सैंपलिंग है वो बहुत वाइड है और सुबह से शाम तक मैं अपनी 11 नंबर की बस से जो चल के आया हूँ मेरा एग्जिट